हाय दोस्तों, मैं आज आपको कक्षा 12वीं हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन एवं ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, जो हिंदी में 70-80% फंसने की चांस है, क्योंकि मध्य प्रदेश शासन द्वारा यह लॉन्च की गई है। छायावाद की कवित्री हैं, पहला का ब नंबर महादेवी वर्मा, दूसरा ज्ञानमार्गी शाखा के कवि हैं अ नंबर कबीर दास। विश्व में विष घोलने का काम किसने किया, तीसरा का ब नंबर सुजान। चौथा लोकगीत कजली है, चौथा का स नंबर श्रावण गीत। पांचवा तात्य टोपो को रखा गया था पड़ोन के जंगल में। खाली स्थान लिखिए दोस्तों, जयशंकर प्रसाद के प्रमुख कवि थे छायावाद के। दूसरा बलदाऊ श्री कृष्ण को चिढ़ाकर परेशान करते थे। नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग जल शोधन में होता है। रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। प्रताप के संपदा गणेश शंकर विद्यार्थी थे। आप अपनी कॉपी में नोट करते जाइए दोस्तों, या वीडियो का स्क्रीनशॉट लेते जाइए दोस्तों। और अच्छी लगी वीडियो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। और कमेंट करके बताएं कि आपको किस सब्जेक्ट का महत्वपूर्ण क्वेश्चन चाहिए। सत्य असत्य का चयन कीजिए। काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ साक्षर होता है। असत्य है दोस्तों, जीवन सत्य घटनाओं पर आधारित होता है। सत्य है, रस के 10 अंग होते हैं। तीसरा असत्य है। चौथा गोपियों के मन में बलदाऊ बसे थे, असत्य थे। पांचवा काला रंग अशुभ का प्रतीक है, सत्य है। प्रश्न क्रमांक चौथा दोस्तों, सभी विपत्तियों को हरते हैं, तो पहला का ग नंबर गणेश जी व्याज्ञ की प्रधानता, दूसरा का च नंबर नई कविता मध्यम वर्गीय परिवारों की समस्या, तीसरा का क नंबर नए मेहमान कंस की बहन, चौथा का ख नंबर देवकी गाय करुण की कविता है, पांचवा का घ नंबर महात्मा गांधी। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। मधुर रा से योग्य सिखाने कौन आया था, मथुरा से योग सिखाने उद्धव आए थे। वह किन दो रूपों में सामने आता है, तो वह साध्य और असाध्य इन दो रूपों में सामने आता है। जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु को लक्ष्य में रखकर अन्य के लिए बात कही जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तीसरा का अनियोक्ति अलंकार। प्रयोगवाद का प्रारंभ कब हुआ, तो प्रयोगवाद का प्रारंभ 1943 में हुआ था। वसंत कौन सा भाव लेकर आता है, तो वसंत हर्ष खुशी आदि भाव लेकर आता है। ये रहे महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, जिसमें से 50% फंसना अनिवार्य है। मीरा कैसे भेस रखना चाहती थी, इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए दोस्तों, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इधर से मैं क्वेश्चन ही बताऊंगा। हालांकि कुछ क्वेश्चनों का आंसर भी बताऊंगा, पर उतना नहीं बताऊंगा। मीरा कैसे भेस रखना चाहती थी, जिस तरह श्री कृष्ण को पसंद आए उस तरह भेस रखना चाहती थी।
इसे आप नोट कर लीजिए दोस्तों कॉपी में, क्योंकि यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 2021 के लिए। वीडियो को रोक कर आप लिख लीजिए। केवट के अनुसार पगधुरी का क्या प्रभाव पड़ा, ये कितने मार्क्स के आएंगे वो भी इसमें बताया गया है दोस्तों। आप इसे नोट करते जाइए कॉपी में या स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो का। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए, यह आप पढ़ लीजिए दोस्तों। और प्लीज़ कक्षा 12वीं वाले ध्यान दें, यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो 2000 पेपर में आने वाला है। भाव विस्तार कीजिए, इसे आप कॉपी में नोट करते जाइए दोस्तों या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं हर एक को बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ, और कमेंट करके बताएं कि इस वीडियो पेपर का सल्यूशन भी चाहिए कि नहीं। प्लीज़ कमेंट करना यदि सल्यूशन आपको चाहिए तो। निम्नलिखित पद्यांश सदर प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए, इसे आप लिख लीजिए दोस्तों। इसे आप कॉपी में नोट करते जाइए दोस्तों या वीडियो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि साफ वीडियो न दिखता हो तो वीडियो का क्वालिटी अपनी बढ़ा लीजिए, जिससे वीडियो अच्छा दिखे। सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को अंग्रेजी विषय के उत्तर पुस्तिका को पुनर्गठन हेतु आवेदन पत्र लिखिए। अपने मित्र को हायर सेकेंडरी परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र लिखिए। और यह रहे निबंध जो आपके पेपर में आना अनिवार्य है, समाज पत्र की उपयोगिता, आतंकवाद, महंगाई की समस्या, विज्ञान और मानव जीवन। निम्नलिखित में से किसी एक विषय का रूपरेखा लिखिए। यदि अच्छी लगी वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। हाँ, और एक महत्वपूर्ण जानकारी है, मध्य प्रदेश सरकार ने चैप्टर वाइज विभाजित न्यू ब्लूप्रिंट लॉन्च कर दी है, जिसे मैंने अपने यूट्यूब के चैनल पर डाल रखा हूँ। आप यूट्यूब के में चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट पर देखें, सभी विषयों का ब्लूप्रिंट उपलब्ध है वहाँ। और यदि जिस विषय का ब्लूप्रिंट वहाँ ना मिले तो मुझे कमेंट करके बताएं। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।